तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए फटाफट आज की रेसिपी चालू कर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम रोटी ले लिए हैं। तो रोटी ताज़ा, ये मतलब गरम रोटी नहीं होना चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में जो है रोटी जब भी हम बनाते हैं तो बच जाता है। तो आज हम उसकी डिश बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी डिश बन के तैयार होगी। तो आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को बीच में आप लोग स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर बीच में स्किप कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आइए फटाफट चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कप प्लेट ले लीजिए, कोई प्लेट ले सकती हैं, और आप ये कद्दूकस ले लीजिए और क्या करिए, कद्दूकस कर लीजिए रोटी को। तो इसका हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं इसे। देखिए ऐसे कर लीजिए, तो रोटी हमारे यहाँ पे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि एक मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में हम इसे डाल देंगे और इसका हम जो है बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है रोटी का बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है, देख सकती हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में जो है निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है पाउडर, इसका बन के आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी देखने से कोई नहीं कह सकता है कि ये जो है रोटी का पाउडर है। देखिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो आइए अब हम आगे की रेसिपी चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। तो कढ़ाई हम गर्म होने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स। और अब हमें जरूरत है घी का, तो यहाँ पे हम घी ले लिए हैं। तो घी हमें थोड़ा सा अधिक चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 2-4 चम्मच से अधिक चाहिए हमें। तो घी को हम डाल देते हैं, जब तक घी हमारा मेल्ट हो रहा है फिर उसमें हम डालते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब जो ये हम पाउडर बना के रखे हैं रोटी के पाउडर, इसे हमें डाल देना है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रहना चाहिए, और इसे हम धीरे धीरे करके चलाते रहेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें भूनना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, इसका कलर जो है चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भूनते हमें करीब 5 से 7 मिनट हो गया है और इसका कलर आपको दिखा सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से भून के रेडी हो गया है और जो है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आने लगी है। तो ये अब हमारा भून गया है, इसे 1 से 2 मिनट और चला लेते हैं ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होगी। बिल्कुल कोई नहीं बता सकता है कि ये आप लोगों ने रोटी से बनाया हुआ है। तो बस इसे हम भूनते रहेंगे और ये अब हमारा बिल्कुल बढ़िया कलर आ चुका है। हम आपको बिल्कुल कैमरे के पास से दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल कलर बढ़िया है। बस इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर जो है
जले जले का टेस्ट आने लगेगा। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो है यहाँ पे ले लिए हैं शक्कर। देखिए तो यहाँ पे हम हाफ कप लिए हुए हैं शक्कर, तो डाल देते हैं इसे। आप अपने कभी अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा अधिक भी डाल सकते हैं। तो इसे हम मिला लेंगे शक्कर को। और अब इसमें फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे ले लिए हैं दूध। तो दूध हम एक गिलास लिए हैं, एक बार में हमें नहीं डालना है दूध को। हम दूध जो है थोड़ा सा धीरे धीरे करके डालेंगे और चलाते रहेंगे इसे। इसे बिल्कुल चलाते रहना है लगातार। थोड़ा सा और डाल देते हैं दूध। और इसे हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आती है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्सों के साथ जरूर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि उन लोगों के भी पास मेरी रेसिपी पहुंच सके। तो देखिए अब हमें दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत अच्छा से हो गया है, ना तो बहुत ही पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो बस ये सही बिल्कुल सही है। अब इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ हम लिए हैं किशमिश और ये गरी काट के थोड़ी सी ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उसे आप डाल सकती हैं। और ये ले लिए हैं नारियल के बुरादा, तो इसे भी हम डाल रहे हैं। और इसे मिला लेंगे। अब हम गैस को कर देते हैं आप, ये मेरा हो गया है। और कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं। कढ़ाई हम नीचे उतार लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे कि आप कोई भी प्लेट या थाली ले लीजिए और उसमें हल्का सा हम घी लगा देंगे। तो ये देखिए इस प्लेट में जो है हमने घी जो है लगा लिया है। आप जिस भी बर्तन में जब आइएगा इसे उसमें पहले घी लगा दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि हमारा जो है ये चिपकेगा नहीं। और इसे हम निकाल कर प्लेट में जो है बहुत अच्छी ये मिठाई बनके तैयार होगी फ्रेंड। जिस समय आप लोग बनाइएगा बिल्कुल कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने रोटी से बनाया हुआ है। तो सारे हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसे हम 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। जब ये 10 मिनट हो जाएगा फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, देखिए इसे हम फ्रिज से बाहर निकाल लिए हैं। अब हम पीस को निकालते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन के मिठाई जो है तैयार हुआ है। यकीन मानिए कोई विश्वास नहीं करेगा कि इसे आपने रोटी से बनाया हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो हम सारे पीसेस को निकाल लेते हैं।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मेरे ये बन के बिल्कुल मिठाई तैयार है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा ये बन के, जितना ही देखने में खूबसूरत है फ्रेंड्स उतना ही खाने में टेस्टी है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बना के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रोटी की मिठाई कैसी लगी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना देखकर। अगर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। अगर फ्रेंड्स आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।